एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज के जो एमसीक्यूज हैं इनमें हम लोग यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर्स के भी क्वेश्चन देखने वाले हैं और आने वाले वीडियोस में भी अब डेटा स्ट्रक्चर एंड ओप्स के जो कुछ नए क्वेश्चन हैं हम लोग उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं यहाँ पे स्टैक की क्या वैल्यूज होंगी, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या कर रहा है कि एक फंक्शन बनाया है जिसमें इन्होंने एन पास करा हुआ है, ठीक है। तो मैंने कहा इसके अंदर मैंने एक स्टैक बनाया है जिसका साइज 100 है, तो जब भी ऐसा कुछ दिया हो तो यहाँ कोने में ऐसे ऐसे बना दिया करो स्टैक, मतलब जिसमें वैल्यूज अंदर तो आती हैं बट बाहर जाने के लिए भी जो टॉप मोस्ट वैल्यू होती है वही सबसे पहले बाहर जाती है, ठीक है। तो वाइल एन इज़ ग्रेटर देन जीरो, तो मैंने कहा मान लो एन की वैल्यू हमने रख दी 3, ठीक है, तो 3 इज़ ग्रेटर देन जीरो, तो स्टैक में पुश कर दो एन मॉड 10। और देखो 3 ना लेके अभी मुझे यहाँ पे समझ क्या आ रहा है, मैं यहाँ पे देखो ये नहीं समझने के बाद पढ़ने के बाद समझ चुका हूँ कि एन मॉड 10 इसका मतलब आखिरी डेट निकाल रहा है, तो हो सकता है शायद सम ऑफ डिजिट निकाल रहा हो, समझ लो इस तरह से। तो इसकी वैल्यू रख दो ये 123, तो सबसे पहले क्या होगा स्टैक में पुश हो जाएगा 3, तो स्टैक में मेरे क्या आ गया 3। अभी मैं इसको जो मैंने यहाँ गंदगी बचाई इसको साफ़ कर देता हूँ, ये तो पूरा स्टैक ही साफ हो गया, स्टैक को दोबारा बनाना पड़ेगा ये, ठीक है। तो स्टैक में मेरा पुश हो गया 3, फिर मुझसे कह रहा है कि उस नंबर को छोटा कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, तो अब मेरा नंबर क्या बचा 12 बचा। फिर दोबारा ये लूप चलेगा, फिर अगली बार मेरी वैल्यू आ जाएगी 2, ऐसे मेरी वैल्यू आ जाएगी 1, तो स्टैक में 1 2 3 अलग अलग आ गया, ये वाला लूप खत्म हो गया, रिजल्ट की वैल्यू 0 है। जब तक मेरा स्टैक एम्प्टी ना हो जाए रिजल्ट में, स्टैक से पहले वैल्यू पॉप करो और रिजल्ट में जाके जोड़ो, तो साफ साफ पता चल रहा है कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या करा है स्टैक में उस नंबर को तोड़ तोड़ के आखिरी डिजिट पहले भरी, इसके बाद हम लोग इस लूप का यूज़ करके उससे एक एक एलिमेंट जो है निकाल रहे हैं और उसको जाके हम रिजल्ट में जोड़ रहे हैं जिसकी वैल्यू 0 है। तो 0 + 1 + 2 + 3 तो कितना आ जाएगा 6। अब 1 2 3 का 6 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो क्या रहा है, सम ऑफ डिजिट ही हो रहा है। सम ऑफ डिजिट को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका यही है एन मॉड 10 और एन डिवाइड बाई 10, जहाँ पे इसका मतलब वहाँ सम ऑफ डिजिट आंसर आ सकता है। तो कह रहा है एक नंबर लेगा एन और उसकी सम ऑफ डिजिट जो है हमें रिटर्न कर देगा, तो ये हमारा सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है भाई ऑर्डर बताओ एलिमेंट का हमारी लिंक लिस्ट में 19 नंबर वाली लाइन के बाद, तो क्या कुछ दिया गया है लिंक लिस्ट, अच्छा यहाँ पे दी गई है। मुझसे क्या कह रहा है कि एक सैम्पल नाम की लिंक लिस्ट बनी, ठीक है, लिंक लिस्ट क्लास मान लेते हैं इन्होंने पहले बना रखी होगी, तो लिंक लिस्ट हमारी कैसी होगी, सैम्पल डॉट टू हम लोग चलाना ये फंक्शन है, तो लिंक लिस्ट हमें यहाँ कहीं बनानी होगी। तो मुझसे कह रहा है इसमें एलिमेंट क्या है 10 20 5 55 38, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, मैंने कहा 10 20 5 55 and 38, मैंने कहा ये वैल्यूज़ हैं लिंक लिस्ट की। ये मुझसे क्या कह रहा है ये सारी लाइन एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है, ये वे कह रहा है सैम्पल हेड में क्या आ गया जो उसके हेड वैल्यू है। अब मेरे ख्याल से आपको लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए ना, तो हेड अभी हमारा इसको पॉइंट आउट कर रहा है, ये रहा मेरा एच, ये वैल्यू मेरे सैम्पल हेड में आ गई। फिर मैंने फंक्शन में पास कर दिया सैम्पल हेड और दोबारा सैम्पल हेड और 5, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं, तो यहाँ पे प्रीवियस और नेक्स्ट और डेटा इन तीनों को बहुत गौर से समझना होगा, तो इसको मैं समझाता हूँ सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो जब भी ऐसा कुछ दिया गया हो, ठीक है, तो इसमें क्या करो अब बहुत ही सिंपल सा लॉजिक यूज़ करना होता है। ये देखो मैंने कहा अभी प्रीवियस में क्या वैल्यू पड़ी थी हेड, तो मैंने कहा प्रीवियस को पी से बोल रहा हूँ, तो पी अभी पॉइंट आउट कर रहा है 10 को। फिर नेक्स्ट में भी वैल्यू मैंने हेड की भेजी है, तो एन भी मेरा अभी 10 को पॉइंट आउट कर रहा है और हेड तो मेरा 10 था ही, ये 3 पॉइंटर हैं। कह रहा है क्या नेक्स्ट मेरा नन है, नहीं है, तो कह रहा है नेक्स्ट का जो डेटा है क्या हमारे डेटा के बराबर, डेटा की वैल्यू हमने पास करी थी यहाँ पे 5, तो क्या नेक्स्ट का डेटा 5 के बराबर है, ऐसा तो नहीं, नेक्स्ट का डेटा में 10 पड़ा हुआ है, 10 तो 5 के बराबर नहीं है, तो हम लोग इधर आ गए एल्स में। कह रहे फंक्शन को कॉल करो नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब प्रीवियस की वैल्यू अभी नेक्स्ट हो चुकी है, तो प्रीवियस जो है वो क्या हो जाएगा यही रहेगा, प्रीवियस में नेक्स्ट वैल्यू आ जाए, मतलब कहने का है कि जिसको नेक्स्ट अभी पॉइंट आउट कर रहा है अभी उसको प्रीवियस पॉइंट करने लगे, तो प्रीवियस उसी को पॉइंट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है अगली पैरामीटर भेज दो नेक्स्ट डॉट गेट नेक्स्ट, मतलब इसको हम भेज रहे हैं, अब ये वैल्यू किसकी हो जाएगी नेक्स्ट की हो जाएगी, तो नेक्स्ट जो है पहले हमारा पॉइंट आउट किसे कर रहा था, इसे कर रहा था, ठीक है, अभी नेक्स्ट किसे पॉइंट आउट कर रहा है हमारा 20 को कर रहा है। फिर हम डेटा को दोबारा मतलब दोबारा 5 भेज देंगे, दोबारा चेक करेंगे क्या नेक्स्ट नन है, नहीं है, क्या नेक्स्ट का डेटा हमारे डेटा के बराबर है, नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू 20 है। अब मान लो कि ये चलेगा कब, मैं कहता हूँ इफ कब चलेगा, इफ तभी चलेगा जब नेक्स्ट की वैल्यू हमें 5 के बराबर होगी, तो नेक्स्ट की वैल्यू कब 5 के बराबर होगी, हमने कहा एक समय ऐसा आएगा जब नेक्स्ट वैल्यू इससे भी बढ़ के आगे इसको पॉइंट आउट करने लगेगा, भाई हर बार जब एल्स में दोबारा फंक्शन दोबारा कॉल हो रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा जब इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी और तब जाके कंडीशन मेरी क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी। तो हम अंदर आए, कह रहे हैं हमारी लिंक लिस्ट को पकड़ लो और उसमें ऐड कर दो डेटा, मतलब उसके आखिर में ऐड कर दो डेटा, उसके बाद कह रहा है
प्रीवियस डॉट सेट नेक्स्ट। अब देखो जब नेक्स्ट की वैल्यू 5 होगी तो प्रीवियस ऑटोमेटिकली हमारा नेक्स्ट कदम पीछे ही रहेगा ना। जब आप इसको चला के देखो तो अपने आप बदल जाएगा, प्रीवियस 20 को पॉइंट आउट कर रहा होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे और नेक्स्ट जो है 5 को पॉइंट आउट कर रहा होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रीवियस में प्रीवियस का जो नेक्स्ट है, प्रीवियस का 20 का जो नेक्स्ट अभी 5 को पकड़े हुए है, कह रहा है उसको नेक्स्ट को चेंज कर दो किसे, नेक्स्ट डॉट गेट नेक्स्ट, मतलब जो इसका पॉइंटर है 55 का, कह रहा है 55 वाले का जो पॉइंटर है जो 5 की तरफ से आ रहा है, कह रहा है उसको चेंज कर दो प्रीवियस डॉट सेट नेक्स्ट, मतलब प्रीवियस जो भी 5 को पॉइंट आउट कर रहा है, कह रहा है उसका कनेक्शन तोड़ो और उसको क्या करो कि यहाँ पे 55 के साथ जोड़ दो। इसका मतलब जो 5 का सहारा था, 5 तक पहुँचने का रास्ता था 10 20 और 5, तो वो रास्ता हमने 20 से क्या कर दिया, दरार डाल दी वहाँ पे। इसका मतलब हमने यहाँ से कनेक्शन तोड़ के इसको डायरेक्टली 55 से मैंने जोड़ दिया है। तो अभी मेरी लिंक लिस्ट कैसी हो गई, 10 20 55 38 5, समझ रहे हो, और उसी को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। तो मेरी लिस्ट कैसी हो गई, 10 ये 20, इसका पॉइंटर पॉइंटर कहाँ जा रहा है, 55 फिर 38 एंड देन 5, तो वही यहाँ पे मेरा आंसर आना चाहिए। देखो यही है 10 20 55 38 एंड 5, तो इसको तो लिंक लिस्ट बना के ही सॉल्व करना पड़ेगा, समझ रहे हो। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 लिंक लिस्ट है मेरी, मुझसे क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि आउटपुट बताओ इसका जो हम लिंक लिस्ट पास करेंगे। सिंपल है, देखते हैं 1 2 3 4 5 मेरी लिंक लिस्ट है, मैं इसको इधर रख रहा हूँ ठीक है। हमने हेड पास किया, अभी हेड मेरा कहाँ पे है, हेड मेरा 1 को पॉइंट आउट कर रहा है ठीक है। मुझसे कह रहा है कि क्या हेड मेरा नन है, ऐसा तो नहीं है, तो कह रहा है हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट मतलब 3, क्या 3 मेरा नहीं नन है, बिल्कुल सही बात है नहीं नन है। तो क्या करेगा, प्रिंट करो हेड का डेटा, तो हेड के डेटा भी क्या है 1, तो मेरा 1 क्या आ गया, आंसर आ गया। फिर इसके बाद कह रहा है अभी इस जगह पे जब आपने 1 प्रिंट करा तो अगली लाइन पे कह रहा है फंक्शन को दोबारा कॉल करो और हेड की वैल्यू को 1 आगे बढ़ा दो, मतलब हेड की वैल्यू अब ये ना होके ये हो जाए। तो ये लाइन जब चलेगी, इसके चलने पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एक काम पेंडिंग पड़ रहा है, कौन सा काम है, जब ये लाइन चलेगी तो जब हेड की वैल्यू 1 थी उसके लिए ये लाइन नहीं चली है अभी, ये क्या हो गई, ये पेंडिंग पड़ी है, ये कह रही है कि भाई अभी ये तो चला ही नहीं है। तो ये रिकर्जन का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहे हैं इसी लाइन पे, तो आखिरी लाइन तो चली नहीं रही है। तो मान लो कि अगर हम इसको चलाते तो ये प्रिंट क्या करता है, हेड का डेटा, मतलब जब सबसे आखिर में जब ये रिकर्जन मतलब अपने आप रिकर्जन जब खत्म होगा आखिर में जाके, तो जब बैक ट्रैकिंग चालू होगी तो सबसे आखिर में जाके क्या प्रिंट होगा, हेड का डेटा, और उस समय हेड क्या था, 1 था। तो हमने कह दिया कि भाई अभी 1 मेरा प्रिंट होना बचा है, इसको मैंने स्टैक के अंदर डाल दिया कि 1 मेरा अभी प्रिंट होना बचा है, जब मेरा सब कुछ हो जाएगा तब तो हमारा 1 जो है आखिर में जाके प्रिंट होगा ठीक है। अभी हम लोग इसी लाइन पे आते हैं, ये मैं क्या कर रहा हूँ फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहा हूँ हेड डॉट गेट नेक्स्ट, हेड को हमने क्या वैल्यू दे दी, 2। अब जब हमने हेड को यहाँ पे 2 वैल्यू दे दी, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, हेड अभी मेरा यहाँ पे है, मुझसे कह रहा है क्या हेड नन है, ऐसा तो नहीं है, क्या हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट मतलब हेड के नेक्स्ट मतलब 4, क्या 4 नहीं है नन, बिल्कुल सही बात है। तो प्रिंट करो हेड का डेटा, हेड का डेटा क्या है 2, तो मेरा अगला वैल्यू का प्रिंट हो जाएगी 2। फिर मुझसे कह रहा है फंक्शन में हेड का गेट नेक्स्ट पास कर दो, मतलब अब हेड की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, बट जब हेड की वैल्यू 2 थी तब भी मेरी ये वाली लाइन नहीं चली, नहीं चली इसका मतलब अगर ये चल जाती तो मेरा क्या प्रिंट होता है, हेड डॉट गेट डेटा मतलब 2 ही प्रिंट होता, तो मैंने कह दिया अभी 2 भी मेरा प्रिंट होना बचा है ठीक है। अब मेरी हेड की वैल्यू कितनी हो चुकी है, मैंने कहा 3 हो चुकी है। दोबारा हम लोग आते हैं हेड की वैल्यू क्या नन है, नहीं, हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट मतलब 5, क्या 5 नहीं नन है, बिल्कुल सही बात है। तो प्रिंट करो हेड का डेटा, तो हेड का डेटा कितना 3, तो मैंने कहा 3 मैंने प्रिंट कर दिया। फिर मैंने क्या करा फंक्शन में दोबारा हेड का गेट नेक्स्ट मैंने पास करा, तो हेड की वैल्यू अभी 4 को पॉइंट आउट करेगी, बट सीन ये है कि जब हेड की वैल्यू 3 थी तब भी हमारी ये वाली लाइन अभी नहीं चली है, ये नहीं चली है, इसका मतलब अगर ये चलेगी आखिर में जाके तो क्या प्रिंट होगा, हेड का डेटा उस समय था क्या, 3 था, तो अभी 3 प्रिंट होना भी बचा है। ये मैं स्टैक में धरता जा रहा हूँ क्योंकि सब काम आखिर में होंगे ठीक है। फिर अभी हमने देख लिया कि हमने जब इस फंक्शन को दोबारा कॉल करा तो ये हेड डॉट गेट नेक्स्ट मतलब अभी हेड की वैल्यू 4 है ठीक है। अब मुझसे कह रहा है क्या 4 नन के बराबर है, ऐसा तो नहीं है, क्या 4 के नेक्स्ट का नेक्स्ट, तो 4 के नेक्स्ट का नेक्स्ट जो कि कुछ नहीं है अभी, कह रहा है क्या वो नहीं है नन, ऐसा भाई कंडीशन हो गई फॉल्स, क्योंकि ये वैल्यू क्या है नन है, लिंक लिस्ट के आखिर से हम लोग और आगे जा चुके हैं, मतलब नन वैल्यू है। देखो ये दोनों लाइन नहीं चली क्योंकि यहाँ से मेरे इफ की कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो हम लोग इधर आए सबसे आखिर वाली लाइन पे, यहाँ पे मैंने गंदगी काफी मचा रखी है, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। ये देखो जब हमारी
ये लाइन ने हमें फॉल्स दिया तो हम लोग इस लाइन पे, और ये क्या कह रहा है, प्रिंट करो हेड का डेटा। हेड इस समय किसको पॉइंट कर रहा है, चार को, तो मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा, चार। अब देखो जैसे ही यहाँ पे ये लाइन चली, हमारा फंक्शन जो है पीछे जाएगा। अब जब पीछे गया तो जितने भी पेंडिंग वर्क थे, मतलब जब हमारा एक बार रिटर्न हो गया तो अब पेंडिंग वर्क सारे हो जाएंगे। पेंडिंग वर्क क्या क्या पड़े, देखिए, तीन को प्रिंट करना है, तीन को प्रिंट कर दिया, दो को प्रिंट करना है, प्रिंट कर दिया, वन को प्रिंट करना है, वन को प्रिंट कर दिया, स्टैक खाली हो गया, सिंपल मेरा सारा काम हो गया, 1 2 3 4 3 2 1 मेरा आंसर आ गया। तो जितना भी काम पेंडिंग में पड़ा हो उसको एक स्टैक में धरते जाओ, या फिर बैक ट्रैक करते समय याद रखना। तो मेरे ख्याल से यही ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है एक लिंक लिस्ट है 1 4 9 और 16 इसमें पड़ा हुआ है। कह रहा है इसमें क्या वैल्यूज हो जाएंगे लिंक लिस्ट की जब हम उसमें अपने फंक्शन में अपनी लिंक लिस्ट को पास करेंगे। मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं। अभी मुझसे कह रहा है लिंक लिस्ट मेरी 1 4 9 16 है। चलो मैं थोड़ा उसको और जूम आउट कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे मेरा हेड पास हुआ, मेरी लिंक लिस्ट चली गई, उसको लाना पड़ेगा। ये तो हेड भी पॉइंट कर रहा है यहाँ पे मेरे वन को। कह रहा हूँ मैं नेक्स्ट नोड इक्वल टू हेड डॉट गेट नेक्स्ट। तो नेक्स्ट नोड मेरा, अभी मैं यहाँ पे डॉट से दिखा रहा हूँ आपको, नेक्स्ट नोड मेरा यहाँ पे होगा, फोर को पॉइंट आउट कर रहा होगा। कह रहा है हेड नहीं है नन, सही बात है, हेड वन को पॉइंट आउट कर रहा है, और नेक्स्ट नोड नहीं है नन, बिल्कुल सही बात है। तो हेड में सेट कर दो डेटा, हेड का पहले डेटा उठाओ, तो मैंने कहा वन, प्लस नेक्स्ट नोड का डेटा उठाओ, तो मैंने कहा चार, 1 + 4 कितना, पाँच, पाँच को उठाओ और हेड के डेटा में सेट कर दो। तो अगर मैं लिंक लिस्ट में यहाँ पे बड़ी बड़ी लिंक लिस्ट लिख देता हूँ 1 4 9 16, तो कह रहा है हेड में, हेड की वैल्यू जो अभी वन थी, कह रहा है उस वन की जगह क्या कर दो, पाँच कर दो। तो मैंने क्या करा, वन को मैंने हटाया और मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या रख दी, पाँच रख दी। ये लाइन चल गई। अगली लाइन पे आते हैं। कह रहा है हेड में अभी हेड किसको पॉइंट करने लगे, अपने नेक्स्ट को। तो हेड अभी पॉइंट किसको करने लगेगा, फोर को, और इसको अभी हमारा नेक्स्ट नोड भी पॉइंट आउट कर रहा है। बट अगले लाइन पे क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट नोड की वैल्यू क्या हो जाए, हेड डॉट गेट नेक्स्ट। इसका मतलब हेड का नेक्स्ट क्या है, नाइन। तो कह रहा है नेक्स्ट नोड जो है वो नाइन को पॉइंट आउट करने लगे। मैंने कहा ठीक है। इधर आते हैं, क्या कह रहे हैं, क्या नेक्स्ट नोड नहीं है नन, बिल्कुल सही बात है, नहीं है नन, नाइन है इसकी वैल्यू। तो कह रहा हैड में सेट करो डेटा, हेड में दोबारा वैल्यू सेट करो, क्या सेट करनी है। कह रहा हैड डॉट गेट डेटा, हेड की वैल्यू अभी कितनी है, मैंने कहा अभी इसकी वैल्यू है चार, प्लस कह रहे हैं नेक्स्ट नोड का डेटा, नेक्स्ट नोड का डेटा कितना है, 9। तो 9 + 4 कितना, 13। तो कह रहे हैं 13 को उठाओ और हेड जिसको पॉइंट आउट कर रहा है वहाँ पे वैल्यू 13 रख दो। तो सबसे पहले हेड किसको पॉइंट आउट कर रहा है, चार को कर रहा है, तो चार की जगह क्या आ गया यहाँ पे, 13 आ गया। तो मैं यहाँ पे 13 लिख दे रहा हूँ, सिंपल। फिर ये लाइन भी हो गई। अब दोबारा यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, अब चेक करेगा क्या मेरा हेड इज नॉट इक्वल टू नन। तो सही बात है, हेड नन नहीं है एंड नेक्स्ट नोड भी नन नहीं है। तो हम इधर आते हैं, दोबारा से ये सारी लाइनें चलेंगी, तो इनको लाइन बाय लाइन चलाते हैं हम लोग। यहाँ पर इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ और फिर इसको दोबारा से हम लोग चलाते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आ रहा है इस लाइन पे। कह रहा हैड में सेट करो डेटा, क्या हेड का डेटा क्या है, मैंने कहा 13। और फिर कह रहा है नेक्स्ट नोड का डेटा क्या है, मैंने कहा 9। 13 + 9 कितना, 22। 22 को हेड में सेट कर दो। तो अभी 13 थी हेड की वैल्यू, अभी कितनी हो गई यहाँ पे, 22 हो गई। तो इसको मुझे यहाँ से इरेज करके 13 की जगह आप क्या लिख देना है, 22 लिख देना है। फिर कह रहा है हेड को एक बढ़ा दो, तो मतलब हेड जो अभी 22 को पॉइंट आउट कर रहा था, अभी वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है, 9 को करने लगा। मुझसे कह रहा है नेक्स्ट नोड की वैल्यू हेड का नेक्स्ट कर दो, मतलब हेड जिसको भी पॉइंट आउट कर रहा है नेक्स्ट जो है उसके बगल वाले को पॉइंट आउट करे। तो अगर हेड 9 को पॉइंट आउट कर रहा है तो नेक्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेक्स्ट इसको पॉइंट आउट करेगा 16 को। मुझसे कह रहा है क्या नेक्स्ट नोड नॉट इक्वल टू नन, तो सही बात है, नहीं है नन। तो कह रहा है कि हेड का पहले डेटा निकालो, हमने कहा 9 है इसको डाला, हमने कहा 9 है, प्लस नेक्स्ट नोड का डेटा क्या है, हमने कहा 16, तो ये आ जाएगा 25। और कह रहे हेड में डेटा सेट कर दो 25, तो हेड अभी 9 को पॉइंट आउट कर रहा है, 9 की जगह क्या आ जाएगा, 25। समझ रहे हो, तो इस तरह से चीज़ें चेंज हो रही हैं। पहले देख लो 5 22 और 25, ऐसा कुछ आंसर है क्या, 5 22 25 25, तो अभी नहीं, 5 22 तक हम लोग पहुँचे हैं, तो शायद अभी इसमें और भी चेंजेस होने बचे हैं, तो देख लेते हैं। तो अभी मेरा 25 हो गया था इस वाली लाइन पे, तो हमारा लूप जो है दोबारा चला। अभी हमें दोबारा वैल्यूज़ को यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ऑप्शन से अभी आंसर मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन देखते रहने चाहिए हमेशा, पता नहीं कब मैच कर जाए और कब हमें अपना एग्जीक्यूशन, मतलब पूरा चलाने से अच्छा तो है ऑप्शन ही मैच करवा लो। तो इधर है, मुझसे क्या कह रहा है कि अभी भी मेरा हेड नन है या फिर नेक्स्ट नोड नहीं है नन। तो सही बात है, हेड हमारा 25 को पॉइंट आउट कर रहा है, नेक्स्ट नोड 16 कर रहा है, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। अंदर आए, कह रहा है हेड में डेटा सेट करो, क्या हेड का डेटा, हमने कहा 25 है, प्लस
कह रहे नेक्स्ट नोड का डेटा हमने कहा 16, 25 16 कितना 41, तो कह रहे हेड में डेटा सेट कर दो 41, तो हेड अभी जो 25 वैल्यू के साथ था उसकी वैल्यू हमने क्या कर दी 41 कर दी। हेड की वैल्यू को एक बढ़ा दो, मतलब हेड जो है अभी अगर 41 को पॉइंट आउट कर रहा था तो अब ये किसको करेगा 16 को, और कह रहे हैं नेक्स्ट नोड की वैल्यू क्या कर दो हेड का, नेक्स्ट हेड हेड के अभी उसको 16 को पॉइंट आउट कर रहा है तो नेक्स्ट नोड किसे पॉइंट करेगा, हेड अगर 16 को पॉइंट आउट कर रहा है तो नेक्स्ट नोड 16 के बगल कुछ है ही नहीं, यहाँ पे खाली पड़ा है, तो नेक्स्ट नोड खाली जगह को पॉइंट आउट कर, मतलब नेक्स्ट नोड क्या हो जाएगा नन हो जाएगा मेरा। फिर मुझसे कह रहे हैं क्या नेक्स्ट नोड नन नहीं है, ऐसा तो नहीं नेक्स्ट नोड तो हमारा नन, तो कंडीशन हो गई फॉल्स। जैसे ही ऊपर के लूप में हेड नहीं है नन, सही बात है हेड 16 को पॉइंट आउट कर रहा है, और कह रहा है नेक्स्ट नोड नहीं है नन, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, ये नेक्स्ट नोड तो भाई नन हो चुका है हमारा, तो ये लूप भी हमारा क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो मेरी लिंक लिस्ट बची क्या है, लिंक लिस्ट है मेरी 5 22 41 16, तो 5 22 41 16 ही मेरा क्या है आंसर है, तो यही सही है। ठीक है, फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं नम लिस्ट नाम की एक लिस्ट है जिसमें ये कुछ फलाना वैल्यूज पड़ी हुई हैं। कह रहे हैं फॉर नम इन रेंज 0 से लेके उस लिस्ट तक, तो पहले नम की वैल्यू पहले क्या हो जाएगी, मैंने कहा 0 है ना, इसकी लेंथ क्या है हमारी लिस्ट की 1 2 3 4 5, तो 0 1 2 3 एंड 4 ये सारी वैल्यूज होंगी हमारे किसकी नम की। सबसे पहले हमारी नम की वैल्यू हुई 0, कह रहे हैं नम लिस्ट के 0 पे क्या रख दो, कह रहे हैं मैथ डॉट सीलिंग नम लिस्ट के 0 के, नम लिस्ट के 0 पे जो भी पढ़ा है मतलब 32.5 इसकी सीलिंग वैल्यू निकालो, तो इसकी हो जाएगी 33, और 33 को उसी जगह पे रख दो। तो मतलब वो कह रहा है ये लूप चलेगा, इसको ऐसे समझो एक एक करके क्या करोगे, इस ये लूप क्या है एक एक वैल्यू को उठाएगा उसकी सीलिंग वैल्यू निकालेगा और उसी इंडेक्स पे उसकी सीलिंग वैल्यू को रख देगा, जैसे 40.2 क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, ऐसे ही सारी वैल्यूज जो हैं उनकी सीलिंग वैल्यू निकल के उसी जगह पे रिप्लेस हो जाएंगी। कह रहे हैं नम लिस्ट को हम कर देंगे रिवर्स, तो इसको हम उल्टा करके रिवर्स कर देंगे, और कह रहे हैं उसको हम प्रिंट करेंगे, तो सबसे पहले रिवर्स हो जाएगा तो ये वैल्यू जो है अराउंड मतलब इसकी सीलिंग वैल्यू आ जाएगी सबसे पहले, तो कितना 99.2, इसकी सीलिंग कितनी होती है 100, तो पहला एलिमेंट 100 होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए 79 होना चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए 66, और 66 होना 67 हुआ है यहाँ पर सॉरी, क्योंकि सीलिंग वैल्यू निकाल रहे हैं ना हम लोग, सीलिंग मतलब जस्ट ऊपर कौन सा नियरेस्ट इंटीजर है जो सबसे इससे बड़ा है, 44.2 का क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो अभी मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है आंसर, 179 कहाँ मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, तो ये मेरा क्या आंसर है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, हमसे क्या कह रहा है, एक हमने फंक्शन वन नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसको हमने यहाँ पे कॉल कर दिया है, सबसे पहले हमारा ट्राई चलेगा, ये कह रहा है कि वेर वन इज इक्वल टू 1/0, तो 1/0 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 0 डिवीजन एरर, जैसे ही यहाँ पे 0 डिवीजन मेरी एरर आई वो देखे कहीं एक्सेप्ट में 0 डिवीजन एरर है क्या, तो एक्सेप्ट में 0 डिवीजन एरर है, तो अभी मेरी ये दो लाइनें एग्जीक्यूट होनी चाहिए ठीक है लॉजिकली, बट सीन ये जैसे ही हमारी ये लाइन एग्जीक्यूट हुई ये कह रहे हैं 1/0 दोबारा निकालो, 1/0 जैसे ही दोबारा निकाला तो यहाँ पे दोबारा 0 डिवीजन एरर उठी, बट अभी जो 0 डिवीजन एरर थी ये मेरे एक्सेप्ट ब्लॉक में उठी है, तो इसका मतलब मेरी डायरेक्टली एरर यहाँ पे शो कर देना चाहिए था ठीक है, क्योंकि एक्सेप्ट ब्लॉक में, अगर ट्राई ब्लॉक में एरर आती तो हम उसके लिए एक्सेप्ट ब्लॉक में आ जाते, बट एक्सेप्ट ब्लॉक में अगर एरर आई है तो कहीं जा ही नहीं सकते ना, बट यहाँ पे एक छुपा हुआ कॉन्सेप्ट है जो लोग को नहीं दिख रहा है, क्या कि भाई अगर मेरा ट्राई चला है तो ये तो पक्की बात है कि फाइनली चलेगा ठीक है, तो एग्जीक्यूशन साइकिल क्या है, पहले हम लोग क्या करें ट्राई पे आए, इसने देखा एरर आई है तो एक्सेप्ट पे आए, एक्सेप्ट ने देखा कि एक्सेप्ट में भी एरर आ रही है, तो इंटरप्रेटर ने बोला कि अरे यार ट्राई तुम्हारी जो एरर थी उसको हम सही करने के लिए एक्सेप्ट के पास गए थे, बट एक्सेप्ट अपनी खुद की एरर देगा तो हमें यहाँ पे 4 लाइनें लाल लाल एरर की दिखानी पड़ेंगी, तो उसने कहा मगर जैसे ही हम अगर एरर दिखा देंगे तो क्योंकि हम तो इंटरप्रेटर हैं भाई तो हम तो एरर दिखा के रुक जाएंगे, तो तुम्हारा फाइनली तो कभी चल ही नहीं पाएगा, तो ट्राई ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, फाइनली हमारा चलेगा फिर चाहे जो भी हो जाए, तो उसने क्या कहा उसने रिक्वेस्ट करी एक्सेप्ट से, उसने कहा भाई एक्सेप्ट तुम जो यहाँ पे एरर दे रहे हो अपनी तुम एरर ना दो, क्योंकि अगर तुमने एरर दे दी तो मेरा फाइनली चल ही नहीं पाएगा, और हर इंसान जानता है फाइनली तो चलेगा ही चलेगा, तो एक्सेप्ट ने कहा अच्छा ठीक है ऐसा करो कि हम एरर अपनी दे देंगे बट पहले तुम फाइनली चला दो, तो एक्सेप्ट ने अपनी कुर्बानी दी थोड़ी देर के लिए, उसने कहा कि भाई फाइनली ऐसा करो तुम चल दो उसके बाद हम एरर दे देंगे, तो फाइनली के पास जैसे ही कंट्रोल आया फाइनली ने कह दिया Return 3, और फाइनली जो है Return 3 कर देगा तो मतलब ये फंक्शन ही पूरा कोलैप्स कर गया, और जब फंक्शन कोलैप्स कर गया तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 3 और मेरा प्रिंट हो गया 3, समझ रहा हूँ, मान लो कि यहाँ पे फाइनली क्या करता प्रिंट कर रहा होता 3, तो अगर ये प्रिंट करता 3 तो पहले मेरा 3 प्रिंट होता और फिर फाइनली से कंट्रोल दोबारा एक्सेप्ट पे चला जाता, समझ रहा हूँ,
क्योंकि एक्सेप्ट जो है उसमें एरर आने वाली थी, तो इंटरप्रेटर जब देख लेता है कि एरर आने वाली है और फाइनली नहीं चल रहा होता, तो पहले फाइनली को चलने के लिए मौका देता है कि हाँ भाई तुम चल लो। इस अपने वाले केस में फाइनली दिमागी था, इसने रिटर्न कर दिया तो फंक्शन है पूरा बंद करा दिया, तो कभी एरर आ ही नहीं और मेरा 3 ही प्रिंट हो गया। बट अगर फाइनली हमारा प्रिंट 3 कर रहा होता तो 3 मेरा प्रिंट होता, इसके बाद एक्सेप्ट पर दोबारा कंट्रोल जाता और एक्सेप्ट दोबारा यहाँ एरर जनरेट होती और अब की बार तो फाइनली चल चुका था, तो एक्सेप्ट अपनी एरर भी यहाँ पे दे देता, तो मेरा ये आंसर आता अगर यहाँ पे प्रिंट लगा होता तो। बट अपने केस में रिटर्न लगा हुआ है तो यहाँ पे सीन कुछ और ही है, यहाँ से वैल्यू मुझे मिल गई 3 और 3 को हमने बाहर जाके प्रिंट कर दिया, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा था, इस पे कई लोग फंस जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मुझसे कह रहे हैं ट्राई करो, एक मेरे पास लिस्ट है, ये कह रहे हैं एसटीआर नाम की मेरे पास एक स्ट्रिंग है, फॉर वैल्यू इन लिस्ट वन, तो वैल्यू अब क्या होगा, पहले ए बी सी होगा फिर पी क्यू होगा, ऐसे ही अपनी अलग अलग एलिमेंट उठाएगा हर एक आइटरेशन, पहले वैल्यू क्या हो गई ए बी सी, कह रहे हैं एस टी आर प्लस इक्वल टू एस टी आर वैल्यू। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, एस टी आर क्या है, हमने एक ये एस टी आर फंक्शन नहीं रहा है यहाँ पे, पहली बार तो यही देखने लायक है, फंक्शन हमारा क्यों नहीं रहा है, इसलिए नहीं रहा क्योंकि एस टी आर नाम का हमने एक वेरिएबल यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि भाई इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू पड़ी है, एम्प्टी एम्प्टी स्ट्रिंग पड़ी हुई है, तो ये यहाँ पे समझ ही नहीं पाएगा कि एस टी आर फंक्शन, और यहाँ पे क्या दे देगा टाइप एरर। अब जैसे ही मेरी टाइप एरर इस लाइन पे आई तो हम लोग थे ट्राई के अंदर, तो ट्राई ने कहा एक्सेप्ट मुझे बचाओ क्योंकि यहाँ पे टाइप एरर आ चुकी है, तो एक्सेप्ट ने कहा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है टाइप एरर को हम झेल लेंगे, उसने कहा हम उसकी जगह प्रिंट कर दो टीई, तो मेरा टीई क्या हो गया पहले प्रिंट हो गया, एक बार एक्सेप्ट चल गया तो बाकी एक्सेप्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है, और हमें ये वाले एक्सेप्ट से हमें कोई लेना देना, फाइनली से मतलब है फाइनली आई नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, तो टीई मेरा सीधा आंसर आ गया, ये तो बड़ा आसान था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे ट्राई करो अंदर आए, कह रहे तुम फिर से ट्राई करो अंदर आए, ठीक कर लेंगे, एक मेरे पर लिस्ट दी गई है 1024, कह रहे वेयर 1 वेयर 2 और वेयर 3, इसमें 1024 डाल दो। अब ये बताओ ये 1024 एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट एज इट इज उठ के वेयर 1 में आ जाएगा, वेयर 2 और वेयर 3 में कुछ आया ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आ गई एरर आ गई। अब कोई भी अगर यहाँ पे एरर आ रही है ठीक है, तो उसके लिए एक्सेप्ट ब्लॉक यहाँ पे लगे होने चाहिए, तो एरर आ रही है अगर मेरी वैल्यू एरर कि भाई वेयर 2 और वेयर 3 में तो आपने कुछ रखा ही नहीं, ये वेरिएबल्स के नाम तो खाली लिखती हैं, क्या आ जाएगा वैल्यू एरर, क्योंकि इसके आपने वैल्यू भरी नहीं है, तो वैल्यू एरर जैसे मेरा आएगा तो एक्सेप्ट क्या करेगा, एक्सेप्ट कहेगा कि भाई वैल्यू एरर को हम यहाँ पे संभाल लेंगे, तुम ऐसा करो कि हमें यहाँ पे वैल्यू पकड़ा दो, तो उसने कहा एक्सेप्ट वैल्यू एरर और प्रिंट कर दिया वीई, समझ गया, तो मेरा वीई तो पहले आ गया। अब ये वाला ट्राई था इसमें एरर आई तो हमने एक्सेप्ट चला दिया, सिंपल, ये वाला ट्राई का अपना सिस्टम खत्म हो गया ना पूरा, ये खत्म हो गया और मेरा प्रिंट क्या कर दिया वीई। अब ऊपर वाले ट्राई का काम खत्म हो गया, अब ऊपर वाला ट्राई सुकून से देखो अपनी अंतिम सांस ले रहा है क्योंकि अंदर जो इतना में बवाल हुआ था सब सब मामला सुलट गया, तो इस वाले ट्राई में कोई एरर नहीं आई, तो इसके अलावा नीचे कोई हमारा एक्सेप्ट चलेगा नहीं, तो मेरा आंसर सिर्फ क्या आ गया वी ई आ गया, जो कि अंदर एरर आई थी उसके चक्कर में प्रिंट हुआ था, समझ रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं यहाँ पे ट्राई करो, मैंने कहा ठीक है ट्राई कर लेंगे, कह रहा इसके अंदर एक और ट्राई स्टेटमेंट है इंटीजर वेयर वन, बट वेयर वन तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, वेयर वन नाम का कोई वेरिएबल नहीं है, तो मेरा क्या आ जाएगा नेम एरर, तो कह रहा है एक्सेप्ट टाइप एरर, हमने कहा ना, कह रहे एक्सेप्ट नेम एरर, हाँ भाई नेम एरर आ रही, तो कह रहा प्रिंट कर दो एनी वन, तो एनी वन मेरा प्रिंट हो गया। अब ट्राई पे थे एरर आई एक्सेप्ट पे आए, अभी फाइनली चलना चाहिए, तो फाइनली तो है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर नीचे आते हैं हमसे क्या कह रहे हैं वेयर वन इज इक्वल टू ए, अब मतलब एग्जीक्यूशन आगे ही चल रहा है ना, अब देखो एक्सेप्ट चल गया फाइनली नहीं तो क्या वो बाकी बची लाइनें तो हम चलाएंगे ही, तो वेयर वन में क्या आ गया ए और जेड अपॉन जीरो। अब जेड अपॉन जीरो क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग टाइप की वैल्यूज को आप डिवाइड कर रहे हो पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी एरर आ जाएगी टाइप एरर। अब हम लोग जब इस यहाँ पे देखो ये इतना स्टेटमेंट था हमारा उस ऊपर वाले ट्राई के अंदर, इतना हमें काम करना था, हमें पहले कुछ बवाल दिखा यहाँ पे कि भाई एरर आ रही थी, तो हमने उसको एक्सेप्ट कर दिया और मेरा एनी वन प्रिंट हो गया, बट जैसे ही हम आगे गए उस मतलब उस बॉक्स को हमने आगे सॉल्व करा, तो यहाँ पे दोबारा एरर आई टाइप एरर, तो टाइप एरर आ किस में रही है, अब टाइप एरर ट्राई के बाहर आ रही है, कौन से ट्राई के, ये अंदर वाले ट्राई के बाहर आ रही है, तो हम लोग मतलब ऊपर वाले ट्राई में कोई दिक्कत हो चुकी है, तो कौन सी एरर आई हमारी टाइप एरर, तो उसके लिए बाहर वाले एक्सेप्ट ब्लॉक देखो कहीं टाइप एरर है क्या, ये है, तो मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा TE2, तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया प्रिंट हो गया TE2 और उसका दिया वाला एक्सेप्ट तो चलेगा नहीं, तो मेरा आंसर क्या आ गया NE1 एंड TE2, तो यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है,